व्हाट्सअप गाइस, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बिल्कुल 4 स्टेप में कुछ इसी टाइप की फोटो एडिट करना सिखाने वाला हूं केवल लाइटरूम ऐप की मदद से। तो अगर आप इस वाले वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो आप भी कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग बिल्कुल 4 स्टेप में कर लेंगे। और 110% मैं आपको लिख के देता हूं कि आप ऐसा फोटो एडिटिंग कर लेंगे और मैं फुल HD फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको अपने ओरिजिनल फोटो को गैलरी से लेना होगा और लेने के बाद सिंपल से इसके शेयर के आइकन पर क्लिक करके और इस वाली फोटो को हम लोग लाइटरूम के अंदर शेयर कर देंगे। और शेयर कर लेने के बाद मैं सीधे लाइटरूम ऐप को ओपन करता हूं, वहां पे आपको सारी प्रोसेस बताता हूं। सो व्हाट्स अप गाइस, तो सबसे पहले आपको अपने लाइटरूम ऐप को ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप के इंटरफेस आप लोगों के सामने देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ऑल फोटोज के आइकन पे हम लोग क्लिक कर लेंगे और अपनी फोटो को यहां से सेलेक्ट कर लेंगे जिसे आपको एडिट करना है। तो फिलहाल इसी फोटो को हम लोग एडिट करने वाले हैं। तो आपका भाई जो भी स्टेप आप लोगों को बताने वाला है उसे बस आप फॉलो कीजिएगा। वीडियो के लास्ट में आप भी सेम ऐसा ही फोटो एडिटिंग कर लेंगे, तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी कलर्स के आइकन पे क्लिक करेंगे और कलर्स के आइकन पे क्लिक करने के बाद इसकी टेम्प की वैल्यू हम लोग ऐसे इंक्रीज करके इसे यहाँ से हम लोग ना 26 कर लेंगे और इसकी टिंट की वैल्यू ऐसे हम लोग डिक्रीज करके इसे भी हम लोग -26 कर लेंगे। देन दोस्तों आप ये सेटिंग अच्छे तरीके से देखते रहिएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसकी वाइब्रेंस की वैल्यू इंक्रीज करके इसे भी हम लोग ना 26% कर लेंगे और आप ये सेटिंग अच्छे तरीके से देखते रहिएगा। और जैसे ही ये सेटिंग आप कीजिएगा ना तो आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी, जो देखने में काफ़ी बेकार लग रहा है लेकिन गाइस वीडियो के लास्ट में बहुत ही बेहतरीन लगेगा। तो इतना सारा सेटिंग कर लेने के बाद आपको ऊपर साइड में मिक्स टूल के आइकन पे क्लिक करना होगा और जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से येलो कलर को सिलेक्ट करेंगे और येलो कलर को सिलेक्ट कर लेने के बाद इसकी सैचुरेशन को हम लोग ऐसे डिक्रीज करके ना -100 कर देंगे और इसकी ह्यू को भी डिक्रीज करके -100 कर देंगे। देन दोस्तों इसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा, इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू भी हम लोग डिक्रीज करके -26 कर देंगे। देन दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ से ग्रीन कलर को लेना होगा और सेम यही सेटिंग हम लोग यहाँ पे ग्रीन कलर के साथ भी करने वाले हैं। इसकी भी सैचुरेशन को हम लोग -100 और ह्यू को भी -100 और इसकी भी ल्यूमिनेंस की वैल्यू हम लोग -26 के करीब कर देंगे। यहाँ पे मैंने -25 कर लिया है। देन दोस्तों इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ से ब्लू कलर को सिलेक्ट करके इसकी सैचुरेशन को हम लोग -100 कर लेंगे, ह्यू को भी -100। देन दोस्तों इक्वा ब्लू कलर को सिलेक्ट करेंगे और इसको भी हम सैचुरेशन को -100, ह्यू को भी -100 और ये सारी सेटिंग करते ही आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा ना, यहां से अपने फेस वाले कलर को लूंगा और इसकी सैचुरेशन हम लोग थोड़ा सा यहां से कम करके -20 कर देंगे और अपने फेस वाले कलर के बगल में जो रेड कलर है इसे हम लोग यहां से सिलेक्ट करेंगे, इसकी सैचुरेशन को हम लोग ऐसे इंक्रीज करके यहां से 31 कर लेंगे। गाइस आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एक एक स्टेप में बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बता रहा हूं। तो ये सारी चीजें कर लेने के बाद आपको ऊपर साइड में डन के आइकन पे क्लिक कर देना होगा और डन के आइकन पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस टाइप की इंटरफेस आप लोगों के सामने मिलेगा। तो यहाँ पे ग्रेडिंग का आइकन मिलेगा, यहाँ पे इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और क्लिक कर लेने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप की इंटरफेस मिलेगा। पहला तो एक शैडो का, मिड टोन और हाईलाइट। तो मैं क्या करूँगा ना, शैडो में आके और अपनी फिंगर से ऐसे ही से स्क्रॉल करके गाइस ना यहाँ से थोड़ा सा ब्लू साइड में लेकर आइएगा। देख सकते हैं इसकी ह्यू को हम लोगों ने 234 रखा है और इसकी सैचुरेशन को 43 और यहाँ से इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू ना हम लोग ऐसे डिक्रीज करके क्या करेंगे, -100 और इसकी ब्लेंडिंग की वैल्यू ना ऐसे इंक्रीज करके इसे हम लोग यहाँ से ना 80 के करीब करेंगे गाइस, 84 कर देंगे और इसकी बैलेंस को हम लोग थोड़ा सा इसे कम कर देंगे, 15-15। और ये सारी सेटिंग कर लेने के बाद आपको यहाँ पे हाईलाइट वाले में आके और यहाँ से इसकी हाईलाइट में ना थोड़ा सा हम लोग पर्पल साइड में लेकर जाएंगे, थोड़ा सा बहुत ही थोड़ा सा ले जाने के बाद गाइस देख सकते हैं इसकी ह्यू को हम लोग 266 रखें और सैचुएशन को 18 और ऊपर साइड में डन के आइकन पे क्लिक कर देंगे। और डन के आइकन पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो पूरी फोटो आपकी कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। गाइस यही तो हम लोग का पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इफेक्ट के आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ आप अच्छे तरीके से देखिएगा, आप अपनी फोटो को फुल HD में कन्वर्ट कर लेंगे। यहीं से इसकी क्लियरिटी की वैल्यू इंक्रीज करके 36 कर देंगे और टेक्स्चर की वैल्यू भी डिक्रीज करके -33 कर देंगे। देन दोस्तों DI की वैल्यू हम लोग इंक्रीज करके यहाँ से 10 कर देंगे और इसकी विग्नेट की वैल्यू हम लोग ऐसे डिक्रीज करके ना यहाँ से -22 करेंगे और मिड पॉइंट की वैल्यू हम लोग थोड़ा सा ऐसे कम कर देंगे, यहाँ से -37 कर देंगे। देन दोस्तों ये सारी सेटिंग कर लेने के बाद आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी।
तो ये था गाइस हम लोग का दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, डिटेल्स के आइकन पे जाएंगे, शार्पनिंग को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, 27 कर लेंगे, मास्किंग को इंक्रीज करके 28% कर लेंगे, नॉइस रिडक्शन की वैल्यू इंक्रीज करके 13% कर लेंगे। देन दोस्तों और नीचे आएंगे, इसकी कलर्स नॉइस रिडक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज करके 16% कर लेंगे, और नीचे आएंगे इसकी स्मूथनेस की वैल्यू इंक्रीज करके 67% कर लेंगे। और ये सारी सेटिंग करते ही आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। और गाइस चौथा स्टेप हम लोग का क्या होने वाला है, लाइट के आइकन पे जाएंगे, इसकी कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू इंक्रीज करके यहाँ से हम लोग 24 कर देंगे, ब्लैक्स की वैल्यू डिक्रीज करके इसे हम लोग यहाँ से -17 कर देंगे। और ये सारी सेटिंग करते ही गाइस पूरी फोटो आपकी एडिट होके आ जाएगी, जो देखने में काफी ऑसम एंड फारसी दिख रही है। तो इस फोटो को सेव करने के लिए शेयर के आइकन पे क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर देंगे और आपका फोटो ये गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।